ये ले। तकलीफ होती है ना? हाँ होती है। तो क्या हुआ, मर थोड़ी जाऊंगी। अरे मियाँ, घर गृहस्थी वालों के यहाँ पैदा हुई हूँ, कोई आसमान से तो नहीं टपकी। हाँ। वो तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि भूल जान का फूल सा बदन कुमला जाएगा। और अपनी हालत नहीं देखते, कितने गोरे थे, रात दिन मेहनत करके कैसे काले हो गए हैं। अरे सर्दी का मौसम आने दे फूल जान, एक बार खजूर में रस लग जाए फिर देखना बाहर ही बाहर हैं, उसके बाद रंग भी गोरा हो जाएगा, तो फिर ये फूल भी खिल जाएगा। सर्दी भी इस साल देर से ही पड़ी, खैर कोई बात नहीं, सारी कसर निकाल दूंगा अब की बार। सुना तुमने? हाँ हाँ सुना। क्या सुना? अब की साल सर्दी भी देर से पड़ी, कोई बात नहीं, सब कसर निकाल लेंगे। कर्जे बहुत हो गए हैं फूलजान, दिन रात मेहनत करके सबका हिसाब बराबर करना है। कुछ पेड़ भी ज्यादा लेने होंगे। और जानती हो तुम्हें क्या करना होगा? बोलो। ये भट्टियां दुरुस्त करनी होंगी, फिर जो मैं रस लाऊंगा उसे उबालना होगा, अपने प्यारे प्यारे हाथों से मीठा मीठा गुड़ बनाना होगा, समझी? समझी। जाके सो रहे हैं। उठो ना। ए मियां उठो ना, ए उठो ना। जाने उठते। फूलजान, ओ फूलजान। या अल्लाह, इतनी हानियां। चल बीबी जान, रस उबालने के लिए तैयार हो जा। गुड़ इतना मीठा बने जितनी मीठी तू है। इतने सारे रस का गुड़ बनेगा? हाँ। लेकिन अब्बा जान के यहाँ तो कभी कभार एक दो घड़े का गुड़ बनता था, इतना सारा रस तो मैंने कभी देखा भी नहीं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ समझा दूंगा। और फिर इसमें मुश्किल क्या है, रस को उबालना ही तो है। इतना उबालो कि बुलबुले उठने लगे। बुलबुले? हाँ, जैसे तुम्हारे मन में उठते हैं हंसने से पहले। जल्दी कर, आठ का वक्त हो गया बीबी जान। अरे लो ना, गुड़ तैयार है। ला दिखा क्या बना तूने। हाँ, आज तेरे हाथ के गुड़ का बिस्मिल्लाह है। मुबारक हो। अच्छा ये बता फूलजान, बाजार से तेरे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं, तुम जल्दी से चले आना। खुदा हाफिज। तू सलामुअलैकुम सिकंदर भाई। अरे आओ नन्हे भाई, क्यों भाई आधा वर्ष सिकंदर भाई। आधा वर्ष नहीं, आधा वर्ष। आज मोती दिखाई नहीं देता, अपना माल बेच के गया क्या? अमा ससुरा अभी तक आया ही नहीं। अभी पता चल जाएगा कि इस साल उसका गुड़ गाहक खाते हैं या चीटियाँ। क्यों क्यों? अरे उसके जादू की छड़ी माजू शादी करके दूसरे गांव चली गई। अब देखना ये है कि उसकी फूल जान गुड़ में कितना जान डालती है। पर सिकंदर मियाँ, मोती रस तो आज भी बहुत सारा निकाल कर ले गया। अमा मियाँ आप बिल्कुल ना समझ है। वो कैसे जी? अरे मीठा रस तो हम तुम सभी लोग निकाल लेते हैं। हाँ, लेकिन माजू का हाथ लगे बगैर इतना बढ़िया गुड़ कहाँ से बनता जिसे गाहक हाथों हाथ खरीद कर ले जाए। ये तो दुरुस्त फरमाया। अरे मोती का गुड़ ना हुआ, बनारस की रेवड़ी हो गई। आधा वर्ष सिकंदर मियाँ। आधा वर्ष मियाँ, आधा वर्ष। अरे मोती मियाँ, 3 किलो गुड़ बिल्कुल पहले जैसे देना भाई। मेरे घर वाले को तुम्हारा गुड़ बहुत भैया। अरे तुम्हारी भाभी कल भी कह रही थी कि गुड़ क्यों नहीं लाए, आज मैं आपसे लेके ही जाऊंगा। 3 किलो पहले मुझे दे दो भैया। 3 किलो सिकंदर मियाँ। गजब हो गया भैया। अरे गजब तो मोती पिछले 10 साल से कर रहा है। मार डाला ससुर ने भैया, मार डाला। अरे मियाँ, मोती तो मोती, अब हमारी रही सही जान निकालने के लिए आ गई उसकी फूल जान। हाँ, फूलो जान आ गई भैया, फूलो जान आ गई।